टारगेट फ्रीक्वेंसी टाइप ऑफ वीडियो कैंपेन, ये कैसे वीडियो कैंपेन है जो कि हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है, ठीक है, हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। ये कोर्स एकदम लेटेस्ट यूट्यूब एड्स एंड गूगल एड्स के रिलेटेड है, ठीक है, तो इसमें मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप वो हर चीज को कवर करूंगा जो कि हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टारगेट फ्रीक्वेंसी टाइप ऑफ वीडियो कैंपेन स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में क्या स्किपेबल कैंपेन, नॉन स्किपेबल कैंपेन, बंपर कैंपेन, इन सबको डिस्कस किया हुआ, वैसे ही आज हम किसको डिस्कस करेंगे, टारगेट फ्रीक्वेंसी टाइप ऑफ वीडियो कैंपेन को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम गूगल एड्स को साइन इन करने के बाद हमें कहां जाना है, एक नए कैंपेन को क्रिएट करने की तरफ चले जाना है। जैसे मैं एक नए कैंपेन को क्रिएट कर देता हूँ, मेरे सामने आ जाएगा क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। मैं कैंपेन को क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं किस कैंपेन को क्रिएट करना है, एक वीडियो कैंपेन को क्लिक करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस को क्यों टिक किया, मैंने हर एक वीडियो में मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियोस को फॉलो करो ताकि आपको हर एक मेरी आगे की वीडियो समझ आए। इसके बाद मैं क्या करूंगा, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस के पास जाने के बाद वीडियो कैंपेन में सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद कस्टम वीडियो कैंपेन नहीं कर रहा हूँ, टारगेट फ्रीक्वेंसी कर रहा हूँ। ये देख सकते हो एकदम नया फीचर है, ठीक है, नया फीचर है, ज्यादा कोई भी अलग चीज नहीं है, बस एक ही चीज अलग है यहाँ पे, टारगेट फ्रीक्वेंसी जो ये नया वीडियो कैंपेन टाइप है। इसमें आप देखिए क्या दिख रहा है, रीच द सेम नंबर ऑफ पीपल मोर देन वंस विद स्किपेबल इनस्ट्रीम नॉन स्किपेबल इनस्ट्रीम एंड बम्पर एड। ये कहना चाह रहा है कि आप अपने टारगेट कस्टमर तक, क्या अपने टारगेट कस्टमर तक मोर देन वन टाइम पहुंचो, एक बार वीडियो एड दिख रही एक उसे एक बार दोबारा पहुंचो उस तक, ठीक है, उस तक दोबारा पहुंचे किसके थ्रू, स्किपेबल एड के थ्रू आप चले जो, नॉन स्किपेबल एड के थ्रू चले जो, या बम्पर एड के थ्रू पहुंच जाओ, मतलब अपने टारगेट कस्टमर तक मोर देन वंस पहुंचो इन तीनों एड्स के थ्रू। ये सिंपल सा मतलब है, ठीक है, मेरे सामने मतलब से आप समझ रहे होंगे, टारगेट फ्रीक्वेंसी मोर देन वंस, सिंपल सी बात है। एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू, जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने आगे का इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे वही कैंपेन का नाम देता हूँ, सब कुछ वही है, सेम टू सेम, आप देखो सारे ऑप्शंस वही के वही है, मुझे कुछ भी अलग नहीं करना, सिर्फ एक ऑप्शन अलग है जो कि आपको यहीं पे दिख जाता है, टारगेट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, सेट अ वीकली टारगेट, यहाँ पे आप कर दो 1, 2, 3, 4 क्या करना चाहते हो। अब वीकली फ्रिक्वेंसी टारगेट इज द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू वॉन्ट एड्स फ्रॉम This campaign to show to the same person over 7 days. कहने का क्या मतलब है? 7 दिनों के भीतर, क्या? Within the period of 7 days, आप एक यूजर को एड कितनी बार दिखाना चाहते हो? 2 बार एड, 3 बार या 4 बार, ठीक है? मतलब एक वीक के भीतर, ये है विदिन द पीरियड ऑफ 1 week, एक यूजर, ये एक सिंगल यूजर है जो कि एड को 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा, 4 बार देखेगा, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर दो, 2, 3, 4, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 सेट कर देता हूँ, इससे होगा क्या, एक यूजर, सिंगल यूजर, सिंगल यूजर क्या करेगा, सिंगल यूजर को कितनी बार दिखेगी एक वीक में, 3 बार मैंने सेट कर दिया, उसे 3 बार मेरी एड दिखे, मेरी वीडियो एड दिखे। जैसे ही मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ, इसके बाद मैं आगे प्रोसीड कर देता हूँ, सारे के सारे सेम ऑप्शन। एक और ऑप्शन थोड़ा इसमें लगा, क्या, बिड स्ट्रेटेजी, बिड स्ट्रेटेजी इसमें सिर्फ और सिर्फ टारगेट सीपीएम ही है, क्या, टारगेट सीपीएम, सीपीवी नहीं है, इसमें सीपीवी को सपोर्ट नहीं करता, मैंने ये चीज लिखी भी है, इसे ध्यान से देखो, क्या, कि टारगेट फ्रीक्वेंसी ओनली सपोर्ट सीपीएम, टारगेट सीपीएम को ही सपोर्ट करता है ये, टारगेट सीपीएम सीपीवी को सपोर्ट नहीं करता है, सीपीवी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लिख लो नोट करके, सीपीवी को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, सिर्फ टारगेट सीपीएम को ही सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे मतलब ये कि आप पर 1000 इंप्रेशन के, आप 1000 इंप्रेशन के गूगल एड्स को कितना देने को तैयार हो, कितना, 50 आप चाहते हो 80 रुपए में आपके 1000 इंप्रेशन हो जाए, 100 रुपए में हो जाए, 200 रुपए में हो जाए, आप कितने में आप 1000 इंप्रेशन चाहते हो, अगर आपने कह दिया 80 रुपीज, ठीक है, तो गूगल एड्स कोशिश करेगा कि 80 रुपए में आपको 1000 इंप्रेशन ला कर दिया, आपने गूगल को क्या कर दिया, टारगेट कर दिया, टारगेट कर दिया विद टारगेट सीपीएम पोस्ट पर 1000 इंप्रेशन, यू सेट द एवरेज अमाउंट दैट यू आर विलिंग टू पे, ये एवरेज अमाउंट है जो आप पे कर सकते हो फॉर एवरी 1000 टाइम्स दैट योर एड्स इज शोन फ्रॉम द टारगेट सीपीएम यू विल सेट एंड वी विल ऑप्टिमाइज बिट्स टू हेल्प गेट एज मच एज यूनिक रीच एज पॉसिबल।
सम इंप्रेशन में पोस्ट हायर और लेसर, कहने का मतलब सिंपल सा कुछ नहीं है, ठीक है। आप गूगल एड्स को बोल रहे हो कि मैं 1000 इंप्रेशन का, तू मेरी एड्स कितनी बार दिखा, 1000 बार मेरी एड दिखा, ठीक है, मैं उसका कितना पे करने को तैयार हूं, मैं उसका फॉर एग्जाम्पल 80 रुपए पे करने को तैयार हूं, हर 1000 इंप्रेशन पे, हर 1000 इंप्रेशन पे मैं तुझे कितना पे करूंगा, 80 रुपए पे करूंगा, मैं तुझे 100 रुपए पे करूंगा, मैं तुझे 70 रुपए पे करूंगा, ठीक है, हर 1000 इंप्रेशंस के। क्या इंप्रेशंस की बात हो रही है, टारगेट सीपीए में, इसके बारे में मैंने डिटेल में किस में बताया, इसकी एक वीडियो में बता रखा है डिटेल में, आप उस वीडियो को प्रेफर कीजिए। बाकी सारे बजट एंड डेट्स, नेटवर्क ऑप्शंस, ठीक है, नेटवर्क ऑप्शंस के बारे में वही चीज है, आप अपनी एड्स को कहां कहां दिखाना चाहते हो, यूट्यूब के सर्च में भी दिखाना चाहते हो, ठीक है, यूट्यूब के वीडियो पार्टनर्स में भी दिखाना चाहते हो, कहां दिखाना चाहते हो, यूट्यूब सर्च में भी दिखाना चाहते हो, ऑप्शन को आप नहीं टिक कर सकते, ठीक है, सिर्फ आपकी वीडियो कहां दिखेगी, यूट्यूब के होम पेज पे दिखेगी, चैनल पेज पे दिखेगी, यूट्यूब वीडियोस के अंदर दिखेगी। आपकी वीडियो एड कहां नहीं दिखेगी, आपकी वीडियो एड कहां तक नहीं दिखेगी, यूट्यूब का जो सर्च बार होता है, यूट्यूब का सर्च बार, जब भी कोई बंदा वहां पे जाके सर्च करेगा, वहां आपकी एड नहीं दिखेगी। डिस्प्ले पार्टनर, यूट्यूब का जो भी डिस्प्ले पार्टनर है, गूगल का जो भी डिस्प्ले पार्टनर की साइट्स है, वहां पे भी नहीं दिखेगी। आपकी एड्स कहां दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ इन तीन प्लेसेस पे दिखेगी, यूट्यूब वीडियोस के अंदर, चैनल पेजेस पे एंड यूट्यूब के होम, ठीक है, चैनल पे, इसके अलावा होम पेज पे तो दिखेगी यूट्यूब के, मतलब बाय डिफॉल्ट यही टिक रहेगा, बाकी इन दोनों ऑप्शन को आप नहीं छेड़ सकते, ठीक है। लोकेशन सेम टू सेम वही ऑप्शन है, लैंग्वेज सेम टू सेम वही है, कंटेंट एक्सक्लूजन, मेरी स्किपेबल वाली वीडियो देख लो, कंटेंट एक्सक्लूजन इन डिटेल मैंने बता रखा है, क्योंकि ये कंटेंट ऑप्शन का ऑप्शन अब यहां से चला गया, जो पुराने गूगल एड्स को चलाते होंगे उन्हें ऑप्शन शायद अभी नहीं पता होगा, ठीक है, अगर वो उनका अपडेट नहीं हुआ होगा, ये ऑप्शन अब कहां चला गया, टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर, कंटेंट सुटेबिलिटी के अंदर, ये अकाउंट लेवल पे ये चीज चली गई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए मेरी लास्ट वीडियो को ध्यान से देखो, स्किपेबल वाली, ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो बेस्ट रहेगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पे आप रिलेटेड वीडियोस, ठीक है, जब भी आपकी एड दिखे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वीडियो सेलेक्ट कर देता हूँ, तब मैं आपको ये चीज आपको अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगी, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपनी एक वीडियो सेलेक्ट कर दी है, जैसे कि मैंने अपनी ये वीडियो सेलेक्ट कर दी है, अब ये देख सकते हो मेरी यहाँ पे वीडियो मैंने क्लिक किया, जैसे ही मेरे ऊपर क्या दिख रहा है, यूर वीडियो, जो भी मेरी वीडियो एड होगी ऊपर वो दिखेगी, नीचे रिलेटेड में दिख जाएगी, ऐसे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से वीडियोस, ठीक है, 2 to 5, 2 से लेके 5 तक मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद डिवाइसेस, आप कौन कौन से मोबाइल डिवाइस पर दिखाना चाहते हो, स्पेसिफिक डिवाइस पर दिखाना चाहते हो, स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स को दिखाना चाहते हो, वो चीज आप टारगेट कर सकते हो। एड शेड्यूलिंग, आप चाहते हो मेरी एड सिर्फ कब तक दिखे, सिर्फ सुबह 7 बजे से शाम की 7 बजे तक दिखे, कब, सुबह 7 बजे से लेके 7 AM to 7 PM ही दिखे, आप वो चीज भी यहां से सेट कर सकते हो, ठीक है, एड शेड्यूलिंग। इसके बाद आता है डेमोग्राफिक्स, ऑडियंस सेगमेंट, ये सब किसके अंदर आ गया, ये सब आपके आ चुके हैं टारगेटिंग के अंदर। टारगेटिंग के लिए मेरे वीडियो को ध्यान से देखो ताकि आप इस ऑप्शन को ध्यान से समझ पाओ, ठीक है। आपको क्या एक चीज नहीं दिख रही है, मैंने तो देखते ही आपको बता दिया कि आपको ये चीज नहीं दिख रही है कि यहाँ पे टारगेटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या, सिर्फ और सिर्फ आपको डेमोग्राफिक्स और ऑडियंस सेगमेंट के बेस पे ही आप टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है। आपके सामने यूजर बेस्ड टारगेटिंग का ही ऑप्शन है, यूजर बेस्ड टारगेटिंग का ही ऑप्शन है, मतलब कि आप डेमोग्राफिक्स के बेस पे कर लो या फिर ऑडियंस सेगमेंट के बेस में कर लो, ऑडियंस सेगमेंट के बेस पे, ठीक है। इसमें आपके सामने वो वाला ऑप्शन नहीं है कि आप कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग करो, कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग जैसे कि कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग, ठीक है, कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग, टॉपिक बेस्ड टारगेटिंग एंड प्लेसमेंट बेस्ड टारगेटिंग, ये वाली टारगेटिंग के ऑप्शन नहीं है, ठीक है, नहीं है, ध्यान से देखना। जिसने मेरी टारगेटिंग वाली वीडियो को देखा होगा वो चीज समझ रहा होगा यहाँ पे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। टारगेटिंग वाली वीडियो को देखो तब जाके इसे समझ पाओगे, सिर्फ यहाँ पे यूजर बेस्ड टारगेटिंग कर पाओगे, पीपल बेस्ड टारगेटिंग कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट पे जाके ब्राउज पे जाओ, जैसे आप चाहते हो डिटेल डेमोग्राफिक्स, ठीक है, डिटेल डेमोग्राफिक पे जाके पेरेंटल स्टेटस के बेस पे कर लो, एजुकेशन के बेस पे करो, मैरिटल स्टेटस के बेस पे कर लो टारगेट, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मतलब जो भी आपको एफिनिटी के बेस पे कर लो, इन मार्केट एंड लाइफ इवेंट के बेस पे कर लो, जो भी आप टारगेटिंग सेट करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ से वीडियो सेलेक्ट कर लो, ये आ गया आपका एड्स लेवल, ठीक है, एड्स लेवल पे जाके आपको
वीडियो सेलेक्ट करनी है जिस भी आपको कैंपेन पे रन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वीडियो सेलेक्ट की, आप ये पूछा स्किपेबल बम्पर या नॉन स्किपेबल। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, स्किपेबल चला देता हूँ, ठीक है। बट ये उतना फॉर्मेट नहीं कहेगा, ये कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस देगा कि आपकी वीडियो थोड़ी लंबी है, छोटी वीडियो आप देखिए, ठीक है। बट मैं अभी इसे इग्नोर करता हूँ। यहाँ पे अपना फाइनल यूआरएल डालो, डिस्प्ले यूआरएल डालो जो यूजर को दिखेगा, कॉल टू एक्शन करो, ठीक है। एंड देन कॉल टू एक्शन में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉल टू एक्शन लर्न मोर शॉप नाउ, कुछ भी कर दो। हेडलाइन जो कि आपको कहाँ दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे हेडलाइन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखा, आप देख सकते हो मेरी हेडलाइन कहाँ दिखेगी, ठीक है। इस तरह से अगर आप इन सारे ऑप्शंस को डालोगे, आपको अपने आप समझ आएगा ये किस तरह से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिख रहा है, डिजिटल मार्केट लिख के देख के देख लो, ठीक है। ये देखो इस तरह से आपको हेडलाइन दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे आपका फाइनल यूआरएल दिखेगा, यूआरएल जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ केशव डिमरी, ठीक है। इसी को मैं एक काम करता हूँ, इसी को आपको दिखाने के लिए यहीं पे डाल देता हूँ, ठीक है। ये देखो इस तरह से आप फाइनल यूआरएल हेडलाइन हो गया, फाइनल यूआरएल हो गया, और इधर कॉल टू एक्शन बटन हो गया, ठीक है। कंपेनियन बैनर के बारे में मैंने हर वीडियो में बता रखा है, मेरे पुराने वीडियो को देखो, डिटेल में मैंने बता रखा है। क्या एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, स्किपेबल वाली वीडियो देखोगे उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। क्या कंपेनियन बैनर, जब भी आपकी वीडियो यहाँ पे प्ले हो रही होगी, जब भी आपकी वीडियो एड यहाँ पे प्ले हो रही होगी, ठीक है, यहाँ पे एकदम बगल में, ये चीज सिर्फ डेस्कटॉप ओरिएंटेड है, डेस्कटॉप ओरिएंटेड बगल में आपने देखा होगा इसी वीडियो के रिलेटेड एक आपको बैनर टाइप दिख जाता है, ठीक है। डेस्कटॉप में आप देखोगे यहाँ पे वीडियो चल रही होती है, इसके बगल में क्या एक बैनर टाइप दिख जाता है चैनल का, वो आपको दिख जाता है। उसके नीचे बाकी सारी ऑर्गेनिक वीडियोस होती है, ठीक है, वो चीज आप देख सकते हो, ठीक है। तो वो क्या ये मतलब कंपेनियन बैनर किसके रिलेटेड है, कंपेनियन बैनर किसके रिलेटेड है, ये सिर्फ डेस्कटॉप ओरिएंटेड है। क्या है ये, सिर्फ डेस्कटॉप ओरिएंटेड है, डेस्कटॉप ओरिएंटेड। ये मोबाइल में नहीं होता कंपेनियन बैनर, ये सिर्फ क्या होता है, डेस्कटॉप में होता है। जब भी वीडियो प्ले हो रही होती है उसके राइट साइड में एकदम छोटा सा यहाँ आपको बैनर टाइप दिख जाता है चैनल के रिलेटेड। अगर आप कुछ नहीं डालते हो तो ये क्या उठा लेता है, चैनल की ये जो भी चैनल का बैनर होता है, चैनल की आर्ट होती है, ठीक है, उसको उठा लेता है, ठीक है। मेरे पुराने वीडियो को देखो, ये चीज आप समझ जाओगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड का नाम दे दो। अगर आपको कोई और ऐड को भी टेस्ट करना चाहते हो, आप यहाँ पे जाके न्यू वीडियो पे क्लिक करो, आप वो भी टेस्ट कर लो, ठीक है। बिड आप पर 1000 इंप्रेशन के गूगल को कितना दोगे, 70 रुपए मैं दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ मैं, 70 रुपए। तो यहाँ 70 रुपए सेट करोगे आप पर 1000 इंप्रेशन गूगल को 70 रुपए दे रहे हो। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करो, आपका कैंपेन क्रिएट, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या देखा, हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो भी ऑप्शंस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जितने भी ऑप्शंस होते हैं, हर एक ऑप्शंस को क्या किया, डिस्कस किया, ठीक है, हर एक ऑप्शन को डिस्कस किया। ऐसे कई ऑप्शंस हैं जैसे कि सीपीवी वर्सेस सीपीएम, ठीक है, जो बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है गूगल यूट्यूब एड्स में ज्यादातर हम डिस्कस करते हैं। ये सिर्फ जैसे मैंने क्या कहा, ये सिर्फ किसे सपोर्ट करता है, ये सिर्फ सीपीएम को सपोर्ट करता है टारगेट फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में डिटेल में समझना इसकी वीडियो है, ठीक है। टारगेटिंग में मैंने कहा सिर्फ इसमें कौन सी बेस्ड टारगेटिंग है, पीपल बेस्ड टारगेटिंग क्या होता है, इसके लिए आप चैनल की पुरानी वीडियो को प्रेफर करो। एक मेरी स्किपेबल वीडियो वाली जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने कंटेंट एक्सक्लूजन इन डिटेल में बना रखा है, कंपेनियन बैनर का भी कंसेप्ट। मतलब पुरानी वीडियोस को अगर आप देखोगे, पुरानी पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपको कभी ये जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी गूगल एड्स में ऑप्शन क्यों दे रखा है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा, मेरी पुरानी वीडियोस को देखो, ठीक है, एंड देन इसकी भी प्रैक्टिस करो, खुद कोई कैंपेन्स क्रिएट करके देखो, सिनेरियोस बनाओ और उसके अकॉर्डिंग करो, ठीक है। जो पुराने कॉन्सेप्ट है, क्या पुराने कॉन्सेप्ट सेम टू सेम वही रहेंगे, क्या वीडियो की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्या वीडियो की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हुक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, हुक एलिमेंट आपका होना ही चाहिए जिसमें कि कैची वर्ड्स आपको यूज करने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग 5 से लेके 15 सेकंड, क्या स्टार्टिंग 5 to 15 सेकंड, इतने कैची होने चाहिए, इतने खतरनाक होने चाहिए कि बंदा उसे आखिरी तक देखे। इसलिए इन सब जो भी मेरे गाइडलाइंस है उन सबको फॉलो करना, ठीक है, तब जाके कोई भी कैंपेन फायर करना है, कोई भी कैंपेन लाइव करना, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतने, अगर आपके स्टिल इसके रिलेटेड कोई डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके उसका डाउट एंसर कर दूंगा, ठीक है। बट ये कहूंगा मेरे पुराने वीडियोस को प्लेलिस्ट को फॉलो करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।